खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि रविवार लॉकडाउन के दौरान बीमार व्यक्तियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन की छूट रहेगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल और अत्यावश्यक वस्तुओं के सामानों को छूट मिलेगी। सोमवार धुरेंडी के दिन सभी बाजार बंद रहेंगे। मेरी होली मेरा घर की थीम पर धुरेंडी का आयोजन होगा। धुरेंडी पर कोई सार्वजनिक आयोजन व आमजनों का एकत्रीकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर भी आम जनों का आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर, मस्जिद व चर्च सभी धार्मिक स्थल पर 5 से कम लोगों की उपस्थिति पर पूजा पाठ किया जा सकेगा। यहाँ दिख रही हैं, उसमें भी लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग लगातार करें, हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहें अथवा साबुन से धोते रहें। त्योहार के दौरान अपने घरों में ही त्योहार मनाएं, विशेष रूप से जो होली का त्योहार है उसको घरों के अंदर ही मनाना है। इस बार की होली अपनी होली है, घर की होली है। जो निर्णय अभी लिए गए हैं उसमें लगातार लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, शनिवार से लेके सोमवार सुबह तक। होली के दौरान भी लगातार सारी दुकानें बंद रहेंगी, उस दिन भी जनता को अपने घर से बाहर नहीं आना है। मंगलवार सुबह से सामान्य स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। उनके आवश्यकता की सामग्रियां व्यापारियों से चर्चा करके उनके घरों तक डिलीवर कराने की व्यवस्था की जा रही है। सभी लोगों से एक बार मेरी फिर अपील होगी कि इस बार की होली बिल्कुल सुरक्षित होली रहे। होली से पहले भी और होली के बाद भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।